नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है क्रिकेट केसरी में। मैं हूं अभिनव। भारत के हर फुटबॉल खिलाड़ी ऋषभ पंत के लिए आज का दिन बेहद खास है। आज वो अपना 25वां जन्मदिन मना रहे हैं। कल ही उन्होंने केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम की यात्रा की थी और महादेव का आशीर्वाद लिया था। एक्सीडेंट के बाद वो पहली बार अपने घर से निकले हैं। वहीं एक्सीडेंट से पहले उन्होंने भारत के लिए कई यादगार पारियां खेली हैं जिसे क्रिकेट फैंस कभी भी नहीं भूल सकते हैं। तो आइए वीडियो के जरिए आपको बताते हैं ऋषभ पंत को लेकर कुछ खास बातें। दरअसल ऋषभ पंत भले ही अभी भारतीय टीम का हिस्सा ना हो, मगर उम्मीद पूरी थी कि अगर वो पूरी तरह से फिट होते तो उनका नाम विश्व कप 2023 के स्क्वाड में जरूर होता। लेकिन दुर्भाग्य से उनका एक्सीडेंट हुआ और वो हो सकता है कि अगले साल टीम में वापसी करें। हालांकि जब भी हम ऋषभ पंत का नाम लेते हैं तो उनके साथ साथ गावा का वह मुकाबला भी याद आता है जब उन्होंने भारत के लिए एक अहम पारी खेली थी और भारत ने इतिहास रच दिया था। ऋषभ पंत ने उस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को परास्त करना सिर्फ मेजबानों को पस्त किया था बल्कि गावा का भी घमंड तोड़ा था। ऑस्ट्रेलिया की टीम 1989 से लेकर 2020 तक गावा के मैदान पर अजेय रही थी। ऋषभ पंत ने ही ऑस्ट्रेलिया के 32 साल के इस रिकॉर्ड को तोड़ा था। इसके अलावा उस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के कई और भी रिकॉर्ड्स पर ब्रेक लग गए थे। इसके बाद ऋषभ ने ऑस्ट्रेलिया के मैदान पर टेस्ट सेंचुरी भी लगाया था। उसके बाद इंग्लैंड जाकर सेंचुरी लगाया था और भारत को एक निर्णायक मुकाबले में जीत दिलाई थी और सीरीज भी अपने नाम किया था। इसके अलावा एक मैच में उनके नाम सबसे ज्यादा 11 कैच पकड़ने का भी रिकॉर्ड दर्ज है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऋषभ पंत अब तक 33 टेस्ट मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 5 शतक की मदद से 2271 रन बनाए। वहीं उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अलग अंदाज में बल्लेबाजी की है जिस वजह से उनकी कमी आज भी भारतीय टेस्ट टीम में खलती है। 30 वनडे में उन्होंने 106.66 के स्ट्राइक रेट से 865 रन बनाए हैं और T20 क्रिकेट में उन्होंने 66 मुकाबले खेलकर 987 रन बनाए हैं। इसके अलावा IPL में वो दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हैं जिसमें उन्होंने एक शतक लगाया है और 2838 रन बनाए। ऋषभ पंत को हमारी तरफ से भी जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और हम उम्मीद करेंगे कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और भारतीय टीम में वापसी करें। वहीं आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही और भी अपडेट को जानने के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी। धन्यवाद।